कि बहुत सारे यहाँ के मसले हैं। हॉस्पिटल्स की हालत बहुत खराब है और यहाँ पे सड़कों की हालत खराब है, ब्रिजेस का कोई ठिकाना नहीं है। और इसके बाद में एजुकेशन स्कूलों का, मराठी स्कूल, ये लोग मराठी मराठी बोलते हैं, मराठी स्कूलों को इन लोग बंद किए जा रहे हैं, उर्दू स्कूलों के यहाँ पे बंद किए जा रहे हैं। ये सब जो एजुकेशन को ये लोग एकदम एक हाईटेक करके, प्राइवेट को ज़्यादा तजवीज़ दे के, और मराठी और हिंदी स्कूल को इन लोग ने पीछे कर दिया, उर्दू स्कूल को पीछे कर दिया है। ये एक मेरे हिसाब से तो एक माफिया ही है, एजुकेशन माफिया बोल सकते हैं इसको। ये सब चीज़ देखिए, खत्म ये करने के सारी लिए चीजें युग जी मूलभूत सुविधाएं हैं, अच्छे मुद्दे हैं। इस वक्त जो इलेक्शन है, ये सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती है, लोकसभा इलेक्शन के द्वारा हम देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इंडिया अलायंस, जिसमें 25 से 26 ग्रुप एक साथ होकर मोदी के खिलाफ लड़ रहा है, क्या आप लोग मोदी का सपोर्ट करने का काम कर रहे हो? देखो, मोदी का सपोर्ट हम कैसे कर रहे हैं जब हम मोदी के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी कोई मुस्लिम पार्टी तो नहीं है, वो भी दलितों की, वो हिंदू पार्टी है। अगर आप बोल सकते हो कि मैं वोट काटने के लिए खड़ा हो रहा हूँ, आपका बोलने का डायरेक्ट मसला यही है, क्या आप भी बोलना नहीं, चाहते इस हो? वक्त सर इंडिया अलायंस में जो इंडिया इंडिया अलायंस में ये लोग सब मिलके भी डरे हुए कि हमारी सीट आएगी कि नहीं आएगी। हमारी सीट एक ऐसी, बीएसपी एक पार्टी ऐसी है जो अकेले बलबूते पे लड़कर, उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारी मैडम को हम लोग प्राइम मिनिस्टर तक के लेके जा सकते हैं। जी महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई बेस है? बिल्कुल है, जनाधार है उनका, उन बहुत पावरफुल में हो, उनके पास में लोग हैं, उनकी पूरी कमेटी है, पूरे महाराष्ट्र में उनकी अक्सरियत है। अभी नागपुर में जाके देखो, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होती, लाखों की तादाद में लोग आते हैं उनको सुनने के लिए। अयूब जी, आप इससे पहले विधानसभा इलेक्शन चुनाव भी लड़ चुके हैं, जी इस चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? किस तरीके से लोगों का आपकी तरफ रुझान है? लोगों का रुझान बहुत अच्छा है, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, पूरे महाराष्ट्र में एक भी आदमी को टिकट नहीं दिया, या पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान काबिलियत नहीं रखता। उनको तो चाहिए था ना कोई एक मुसलमान को टिकट दे। तो लोगों का ये रुझान है कि इस बार बीएसपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया है, तो दलित और मुस्लिम मिलके अय्यूब को कामयाब करेंगे और इंशाल्लाह लोकसभा में लेके जाएंगे। शुक्रिया। आपने देखा दोस्तों, अय्यूब अमीन हुनगुंद साहब इस दफा जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस लोकसभा इलेक्शन में। अब देखना ये है, जिस तरीके की उन्होंने मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे जो उठाए, वो मुद्दे काफी अच्छे हैं। क्या जनता को वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं? ऐसी खबरों के लिए बने रहिए प्रहारी न्यूज। कैमरामैन नूर के साथ में फवाद शेख।